कासगंज जनपद की तरारपुर हजारा नहर में बीते गुरुवार को नहाते समय डूबकर लापता हुए सभी 5 लोगों के शव को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 2 दिनों के रेस्क्यू अभियान के दौरान नहर से बरामद कर लिया है। कल नहर से 2 लोगों के शव बरामद किए गए थे और आज शनिवार को नहर से 3 और लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। वहीं नहर में डूबकर लापता हुए युवकों के शवों को जैसे ही नहर से बरामद किया गया तभी नहर के किनारे बैठे परिवार के लोगों में चीख पुकार मच गई। वहीं पुलिस ने नहर से बरामद किए गए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमें कंट्रोल रूम एसडीआरएफ से सूचना मिली थी, हम लोग यहाँ कासगंज आए थे 11 तारीख को। जैसा कि कल हम लोग प्रातःकाल 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया गया है, जिसमें कल हमें 2 शव बरामद हुए थे। फिर आज हम लोग प्रातः 7 बजे से ऑपरेशन स्टार्ट किए थे और इस ऑपरेशन के दौरान 3 बॉडियां बची हुई बरामद कर ली गई हैं, जैसे कि 5 बॉडियां बरामद हो गई हैं। स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया है, हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करी है, इसमें सहयोगियों का काफ़ी साथ रहा है, एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों टीम थी। मिंट हाउस इलाके में वरुणा पुल से नदेसर की ओर जा रही एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार दूसरी लेन में जाकर बिजली के खंभे से टकरा गई। उसी दौरान बाइक से जा रहे युवक, एक गर्भवती महिला और एक अन्य कार की चपेट में आ गए और हादसे में महिला और युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य घायल को मंडली अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद कार सवार लोग उससे उतरकर भाग गए। वहीं पुलिस कार को कब्जे में लेकर नंबर की मदद से आरोपी चालक का पता लगा रही है। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।